माशाल्लाह। जैसे कि मैं आपका बादशाह होकर एक हिंदू लोग में आपको बहुत वेलकम करता हूँ। तो गाइस फाइनली आ रहा मेरे को, कल एक कस्टमर ने बोला कि भाई वीवीआईपी मेरे को बैठने वाला दुकान के लिए स्टूल बना कर दे। तो भाई फाइनली ये आप जो डिज़ाइन देख रहे हो, तो ये भाई मैंने सोचा मेरे से तो नहीं बनेगी, उस्ताद पप्पू से ही बनेगी। तो इसलिए फाइनली यार उस्ताद पप्पू के पास आया हूँ। और ये उस्ताद पप्पू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद बाबू ये उस स्टूल की डिज़ाइन किस तरह से बनेगी? भाई बना रहा हूँ मैं, बना के करके आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, और ये भाई मेरा बड़ा भाई भी बैठा हुआ। भाई उस्ताद उस्ताद ही होता है तो तकरीबन। अच्छा, हमको सिखा रहा है। 10 साल से मैंने भी ये वुड वर्क का काम किया है, लेकिन फिर भी इस तरह की जो गोलाई वोलाई है ये मैं मशीन के बगैर हाथ से नहीं काटता हूँ। उस्ताद ने ये सारी गोलाई हाथ से काटी है। और भाई उस्ताद माशाल्लाह से वीआईपी करके स्टूल बनाएगा, और इस ब्लॉग में इंशाल्लाह उस्ताद पप्पू की हाथ की कारीगरी में आपको लाद भी दिखाऊंगा। और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ उस्ताद पप्पू का काम। उस्ताद कितनी देर में बन जाएगा स्टूल? 1-2 घंटे बन जाएगा। एक दो और भाई ऊपर से मेरा बड़ा भाई भी बैठा है, ये मेरा उस्ताद है, और मेरे भाई का उस्ताद ये बैठा है, और इन दोनों का शागिर्द उस्ताद लगा हुआ है। भी गोलाई वोलाई काट रही है सारी। तो गाइस फाइनली थे माशाल्लाह उस्ताद पप्पू ने बहुत कुछ काम कर लिया है, और ये एक साइड पीस बना लिया है उस्ताद पप्पू ने स्टूल का। और अभी उस्ताद भी क्या कर रहे हो? नहीं बना रहे। अब इसके खांचे वगैरह निकलेंगे। तो भाई फाइनली माशाल्लाह उस्ताद पप्पू ने स्टूल फाइनल कर दिया, अभी खांचे निकाल रहे। फाइनली माशाल्लाह से उस्ताद ने स्टूल फाइनल कर दिया। उस्ताद स्टूल ओके हो गया? तो फिट करके तो दिखाओ फिटिंग इसकी। ओए ओए भाई ये स्टूल उस्ताद ने बनाया है, तकरीबन 2 घंटे लगे उस्ताद को। माशाल्लाह वी आई भी। तो भाई फाइनली आ रही है उस्ताद पप्पू ने माशाल्लाह से स्टूल वी आई भी करके बना दिया है, और स्टूल में भी थोड़ा बहुत काम है, लापी शापी होगी वो मैं खुद अपनी दुकान पर जाके करता हूँ। तो फाइनली चलते हैं अपनी दुकान पर। तो भाई फाइनली माशाल्लाह से अपनी दुकान पर पहुँच चुके हैं, और ये भाई स्टूल जो बड़ा है उस्ताद पप्पू ने बनाया है। और अभी कुछ मेरा इसमें बहुत काम है, ये जो नीचे वाला पीस है ये मैंने खुद ने लगाया है, और इसकी अभी सफाई वगैरह होगी, और इसको पीसी वगैरह सब कुछ लगा के अभी रेडी करेंगे। तो फाइनली यार स्कूल का फाइनल में जो भी लुक होगा इंशाल्लाह तुम लोग आपको लाद दिखाएंगे। फाइनली माशाल्लाह से ये हमारा स्टूल खुल चुका है। और भाई इस स्टूल में बड़ी खासियत ये है कि भाई स्टूल आप अपनी मर्जी से खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो। कहीं भी इस स्टूल को लेकर जाओगे तो बहुत आसानी से लेकर जाओगे। इस तरह से भाई ये स्टूल खुल चुका है, कहीं भी आप बाइक पे जाओगे या किसी मोटरसाइकिल आसानी से स्टूल आप खोल कर कहीं भी लेके जाते हो। और स्टूल माशाल्लाह से बहुत फायदा और मजबूत है।
तो फाइनली यार स्टूल टेबल तैयार हो चुका है और भाई आपको स्टूल टेबल दिखा के उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और वो यार मेरा स्टूल आपको अच्छा लगेगा तो लाइक उसका ला देंगे ना। और ये वाला स्टूल भाई माशाल्लाह से ब्यूटीफुल। फाइनली उम्मीद करता हूँ भाई दोस्तों आपने स्टूल बनाया था वो आपको बहुत पसंद आया होगा और भाई जो मैंने इस स्टूल के ऊपर कारीगरी की थी वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। और भाई यार मैंने सोचा कि आज के बाद भाई मैं करूँगा साइकिल बैग टेबल ब्लॉग बनाऊंगा तो भाई मैंने VVI में एक साइकिल भी ले लिया तो फाइनली में भी आपको अपनी साइकिल दिखाने वाला हूँ। इंशाल्लाह वो भी आपको अच्छी लगेगी। सो फाइनली यार वो है मेरी साइकिल। ये मैंने अपने लिए साइकिल ले लिए और आज के बाद भाई मैं एक ट्रेवल ब्लॉगिंग बनाऊंगा साइकिल के ऊपर। बड़ी तो बहुत है लेकिन क्या करें इसकी सीट नीचे करेंगे। नहीं भाई ये साइकिल मैंने कामरेड के लिए लिए, कामरेड क्योंकि कोके वगैरह लेने जाता है पैदल जाता है तो आज के बाद भाई कामरेड साइकिल भेजाएगा। और भाई कामरेड तो अभी काम पे गया हुआ है तो दुकान पे नहीं है तो मेरे को उससे भी बात वगैरह हो जाती है। लेकिन भाई आपको घबराने की कोई बात नहीं है, कामरेड तो वैसे ही मेरी दुकान पे काम करता है। तो भाई फिलहाल इस ब्लॉग को इधर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। फिलहाल इस ब्लॉग को इधर एंड करते, फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।